अरे रुको 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 भाई, जब एक बार क्लिक कर ही लिए हो तो पूरा वीडियो देख ही लो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश वीडियो। तो गाइस, आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि तुम COD मोबाइल का जो सेंसिटिविटी वगैरह, तुम कुछ कुछ बंदे बोलते हैं कि प्रोन बटन नहीं आता है, कुछ कुछ बोलते हैं कैसा सेंसी रखूँ, वायरस को या बहुत हाई है, कैसा रखूँ कैसा नहीं रखूँ। तो गाइस, तुम लोग पूरा वीडियो एंड तक देखो, शुरू से एंड तक, क्योंकि एक भी चीज़ तुम मिस करोगे ना तो फिर बाद में दिक्कत होगा। फिर मेरे को कमेंट में मत बोलना कि भाई ये मेरे को नहीं पता। मैं अभी ज़्यादातर, मेरे को जितना पता है मैं ज़्यादातर चीज़ें कवर करूँगा, तो पूरा देखना गाइस। और नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाओ यार, प्लीज़ यार, तो मेरे भाई को हेल्प करो थोड़ा सा। इतना तो कर ही सकते हो गाइस, अपने दोस्तों के साथ भी थोड़ा सा शेयर करो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो। तो गाइस, तो हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो क्या सीन है? तो गाइस, सबसे पहली बात, मैं प्रोन बटन के उधर आता हूँ, ठीक है ना। प्रोन बटन का क्या सीन है कि प्रोन बटन क्यों नहीं दिखाता तुम्हें? तो उसके लिए गाइस, पहले तो सेटिंग पे जाओ तुम, ठीक है। यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे जाने के बाद देखो एक मिनट, यहाँ पे तुम्हें, मेरा तो प्रोन बटन इधर इधर है, ठीक है ना। तुम्हें ये प्रोन बटन नहीं मिलता है, ठीक है ना। देखो मैं इधर इधर लगाता हूँ ये, अरे माँ का भरोसा साला। देखो ये प्रोन बटन अपन इधर लगाते हैं, ये प्रोन बटन तुम्हें नहीं मिलता क्राउच के साथ ही। वो क्राउच अगर होल्ड करके बैठते हो तो प्रोन बटन ये हो जाता है, तुम्हारा प्रोन होता है कैरेक्टर। तो ये प्रोन बटन तुम्हें इनेबल कहाँ से करना पड़ेगा? ये प्रोन बटन इनेबल करने के लिए सबसे पहले बेसिक सेंसी पे जाओ। शुरू से बोलता हूँ, सेटिंग बेसिक, ठीक है। बेसिक के बाद देखो इधर लिखा होगा हाई, ये देखो हाइट प्रोन बटन होल्ड क्राउच टू प्रोन। तो इसे तुम्हारा, ये तुम्हारा इनेबल रहेगा, ठीक है। तो इसे तुम्हें ऑफ करने का है, ये अगर इनेबल रहता है तो इसको तुम्हें ऑफ करने का है, समझ रहे हो। करने के बाद फिर आना है, देखो ये अगर मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं सेटिंग में जाके, देखो सेटिंग में जाके तुम्हें प्रोन बटन नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा, देख रहा हूँ। यहीं पे था, मैंने यहीं पे सेट करके गया था ना, नहीं मिल रहा। तो वही बात है, बेसिक सेंसी पे तुम बेसिक सेटिंग पे जाओ। इधर जाने के बाद इसे इनेबल कर दो। करने के बाद सेटिंग पे जाओ, फिर इसे जाओ कस्टम लेयर लेआउट पे, इधर तुम्हें मिल जाएगा। बट इधर तुम्हें क्राउच रखता ही नहीं है, तो मैं तो अपना जिधर रखता है उधर रख देता हूँ, ठीक है ना। तुम लोग जहाँ रखना है तुम्हारा कंट्रोल के हिसाब से तुम क्राउच बटन ऑफ कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्राउच का, ये तो तुम्हारा एक शॉर्ट आउट कर दिया हमने। अभी आता है सेंसिटिविटी के इधर, चलो आते हैं अपन सेंसी पे। सेंसी पे गाइस क्या सीन है, देखो मैं तो ये वाला सेंसी यूज़ करता हूँ, आप लोग एक बार ही देख सकते हो। स्टैंडर्ड सेटिंग पे जो कैमरा सेंसिटिविटी है, इधर मैं जो स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी है ये 99 रखा है। ADS का मतलब जो तुम स्कोप रेड डॉट वगैरह या फिर 1x या फिर विदाउट स्कोप जो होता है ना, वो ADS बोलते हैं उसको, उसका मैंने 80 रखा है इसका। फिर नीचे का जो ये है मैं यूज़ नहीं करता, 3x यूज़ करता हूँ, तो 3x का ये रखा है। और जिनको स्नाइपिंग करना है 8x मैंने 9 रखा, और 6x का 6x तुम मिनिमम तुम यहाँ पे 19 रख सकते हो, ठीक है 19। बाकी जो नीचे जो ये फायर ये वाला सेंसिटिविटी पे भी तुम्हें वैसे ही सेम रखने का है, 90 80, फिर अपना 19 3x का और 6x का 9। अभी जायरोस्कोप पे आते हैं गाइस। जायरोस्कोप तुम लोग गाइस मेरा देख सकते हो, मैं पबजी मोबाइल में, जो पबजी मोबाइल से COD में शिफ्ट किया उनके लिए गाइस ये मैं बोल रहा हूँ, जो पबजी मोबाइल से COD में आया है, मैं भी पबजी मोबाइल से COD से आया हूँ। इसमें सीन ये हुआ, मैं जब इसको 3000 कर दिया ना, माँ कसम भाई, बंदा इतना कैरेक्टर इतना हिल रहा था ना, मैं कन्फ्यूज हो गया। तो देखो जो लोग 300 यूज़ करता था ना सेंसी, उनके लिए तो मेरे हिसाब से 120 यहाँ पे जायरोस्कोप सेंसिटिविटी, मतलब जो 30% सेंसिटिविटी होता है ना, ये स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी, उनके लिए बेस्ट है। और ADS जो लोग एकदम 300 यूज़ करता था पबजी मोबाइल में, उनके लिए भी 60 ADS बेस्ट है, समझ रहे हो। 60 तुम थोड़ा ज़्यादा कम भी कर सकते हो, बट देखो एक्चुअली देखो सीन ये होता है कि हर एक फ़ोन का अलग अलग सीन रहता है। मेरा ये iPhone XR है, तो iPhone XR के लिए बोल रहा हूँ, iPhone XR के लिए मेरे को ये बेस्ट लगता है। तुम लोग अगर Android में हो तो Android के लिए अलग अलग रहेगा। तुम कुछ नहीं, जस्ट एक नॉर्मल मैच लगा के तुम्हें चेक करना है, बट इसके आसपास ही कम ज़्यादा करोगे, मतलब माइनस प्लस करके तुम्हें अपना सेंसिटिविटी मिल जाएगा COD मोबाइल का। बेसिक ही होगा, मैं जस्ट शुरुआत बोल रहा हूँ कि यहाँ से तुम शुरुआत कर सकते हो, कि ये 120 से तुम शुरुआत कर सकते हो, यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा। तुम अगर एक 200 से करोगे, 220 मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, वही बोल रहा हूँ, तो यहाँ से करो, देख लो। iPhone XR के लिए बेसिकली ये है, बट Android लोगों के लिए भी तुम लोग भी ये चेक कर सकते हो, मेरे हिसाब से हो जाएगा तुम्हारे लिए भी सही होगा। अभी 3x का मैंने 50 रखा, मेरे को 50 जमता है। फिर उसके बाद 8x का 71 रखा है, वैसे मैं स्नैपिंग यूज़ नहीं करता, एसोल्टिंग ही यूज़ करता हूँ। इसमें ज़्यादातर वही वाला चलता है ना, ADS वाला ही चलता है। तो यही था गाइस, समझ रहे हो ना। बाकी तुम अपने उसे देख लेना, मेरे हिसाब से हो जाएगा तुम। बट मैंने जो सेटिंग यहाँ पे जो दिखाया, महाकसम किधर गए, ये जो दिखाया इसी को तुम थोड़ा सा यही पहले सेट करके तुम मैच के अंदर जाके तुम चेक करना कि तुम्हें जम रहा है कि नहीं जम रहा। अगर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है
तो थोड़ा कम कर दो, थोड़ा सा कम लग रहा है तो ज़्यादा कर दो, बस इसी के अंदर से तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा। बाकी अगर मुद्दे की बात पे आते हैं गाइस, तुम लोगों को पता है जो हमें चैनल में जो पुराने हो, तुम्हें पता है कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, तो ये सब टिप्स एंड छोटे मोटे शॉर्ट वीडियो नहीं डालता है। तो अभी तो मैं अभी शायद मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं अभी अपने गाँव में जा रहा हूँ। तो सीन ये है कि उधर मेरे को उतना अच्छा वाईफाई नहीं मिलेगा, तो अपन स्ट्रीम शायद नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। हफ्ते में एक दो बार कर लूँ वो अलग बात है, कई जुगाड़ करके, बट मैं स्ट्रीम नहीं कर पाऊँगा। ऐसे ही छोटा मोटा ट्यूटोरियल्स वीडियो या फिर फनी वीडियो या फिर पबजी का वीडियो भी आएगा। तो गाइस प्लीज़ यार सपोर्ट करना मेरे को, अपने वही अनाउंसमेंट करना था चैनल के लिए, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट सेक्शन तो हमारा ऑफ है। तो यही था गाइस, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, कमेंट भी कर दो प्लीज़, तुम्हारे भाई का चैनल है, इतना तो कर ही सकता है। अबे चार, चलो गाइस बाय, मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।